राहुल गांधी के खिलाफ कल जो फैसला आया है, 2 साल की सजा सुनाने के बाद आज उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। ये एक पहला ऐसा फैसला कहा जाएगा जिसके ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल बिखड़े हो रहे हैं। फिलहाल रोहतक के विधायक बीबी बत्रा जी हमारे साथ हैं। बत्रा साहब, कैसे देखते हैं फैसले को? डिसीजन जो स्पीकर ने किया है, इट अमाउंट्स टू थ्रॉटलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इतनी हेस्ट में फैसला करना और एक प्रजातंत्र की जो वैल्यूज़ हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो एथिक्स है, इट दिस जजमेंट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन सच ए हेस्ट। सबसे पहले तो इनको, राहुल गांधी को नोटिस देना चाहिए था कि आपके खिलाफ ये जजमेंट आया है वेदर वर्ड से। और दूसरा, जजमेंट के अंदर ही 30 डेज का टाइम जजमेंट दिया है, तो ये 30 दिन का समय बीत जाने के बाद ही स्पीकर को कोई फैसला लेना चाहिए था। तो जमानत भी हो गई थी और उनके पास विकल्प भी बाकी थे। विकल्प भी हैं और वो विकल्प कोर्ट ने ही दिए हैं, उस विकल्प का इंतजार करना चाहिए था। ये बायस्ड फैसला है स्पीकर का और ये प्रजातांत्रिक सिस्टम और वैल्यूज़ के खिलाफ है। और लगता है कि प्री डिसाइडेड स्पीकर का ये था कि उसने ये फैसला करना ही था। तो राजनीतिक को देखते हुए ऐसे फैसले जो डेमोक्रेटिक का सबसे बड़ा मंदिर है और जो डेमोक्रेसी को सेव करने की जो पार्लियामेंट है, अगर उसका स्पीकर ही ऐसा फैसला करेगा तो देश में प्रजातंत्र को इस बात के लिए आप कह सकते हैं कि देयर इज अ डेंजर टू द डेमोक्रेटिक सेटअप। खड़गे साहब का भी बयान आया है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए जाना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं खड़गे जी के बयान से सहमत हूँ। और सेकंडली ये पार्ट है कि द जजमेंट इट्सेल्फ जो है ना, वो मैंने जजमेंट पढ़ी तो नहीं है, पर एक जजमेंट को जो व्यक्ति जिसके खिलाफ चार्ज लगे हैं उसके स्टेटस को भी देखना चाहिए। उधर से भी अगर एक व्यक्ति कोई ऐसे एलिगेशन लगा रहा है तो देवर नो पर्सनल एलिगेशन अगेंस्ट ए पर्सन। क्या जिस ढंग से ये सारी चीज़ें चली हैं, क्या लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है? बिल्कुल जल्दबाजी दिखाई गई है। और राहुल गांधी की इनको भारतीय जनता पार्टी, मैं कहूँगा कि इस तरह के गलत फैसले लेने में बड़ी हेस करती है, उनकी एक परफेक्शन है इस बात के लिए। उनको जो जो प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ जो हमारे देश के अंदर सिस्टम के अंदर आई थी, उसको फॉलो करने के लिए उसको ज़िंदा रखना चाहिए। और डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे फैसले बिल्कुल नहीं आने चाहिए। लॉस रिजॉर्ट हो जाए कि जब कोर्ट की रेमेडी सारी ख़त्म हो जाए उसके बाद सदस्यता रद्द करनी चाहिए। लेकिन भाजपा तो बड़ी अटैकिंग मोड में है, भाजपा ने तो कल भाजपा को तो राहुल गांधी के नाम से तकलीफ है ना, उनको इस बात के लिए है कि राहुल गांधी इतने पॉपुलर क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उन्हें कितना रिस्पॉन्स मिला और एक बहुत ही मंजे हुए और बहुत ही एक बड़े नेता के अंदर उनका एक पॉलिटिकल आइकॉन के रूप में उनकी छवि आगे आई है। और इस छवि को बिगाड़ने के लिए और छवि आगे ना आए, और इट्स ए सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी इन ए नॉर्मल टाइम। तो कैसे डील करेंगे आप? हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाते हैं हरियाणा में। आज शाम को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की प्लस पीसीसी प्रेसिडेंट्स और सीएलपी लीडर्स का फैसला है। जो फैसला वो लेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। और इस तरह के फैसले जो है, जुडिशियरी को भी इस बारे में एक विचार करना चाहिए कि एक 498 एक छोटा सा एक पेटी ऑफेंस है, और पेटी ऑफेंस में अगर उसको लगता ही था कि कोई जजमेंट में कन्विंसिंग थी जज की या कुछ है, तो इट्स ए टोकन पनिशमेंट। इट शुड नेवर बी द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर आर द जो उनके जिन्होंने ये कानून बनाए, उनके
जो निर्माता थे उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। ये तो अंग्रेज़ों के टाइम का कानून बना हुआ है, उस टाइम अंग्रेज़ों के खिलाफ दमनकारी नीतियों में इन्होंने ये कानून बनाया था कि कोई हमारे खिलाफ बोल ना सके। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अगर कोई बात इनविटेंटली कही भी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक आदमी के एंड इस बात को सोचना चाहिए था कि जिस आदमी के खिलाफ तुम ऑर्डर पास कर रहे हो उसका भी कैरियर क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें इस मामले में काफ़ी अटैकिंग मोड में नज़र आ रही है कल से। नहीं, कोई बात नहीं, कांग्रेस भी उसका पूरा जवाब देगी, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस को भी एक मौका मिला है आगे बढ़ने के लिए, आगे जनता में जाने के लिए, सभी मुद्दों से आगे जाएंगे और इस मुद्दा में जनता के पास माना जाए कि जुडिशरी से लेकर सड़क तक पे संघर्ष करने की स्थिति अगर आई एम नॉट अटैकिंग द जुडिशियल सिस्टम बट सर्टेनली देयर we can certainly criticize the judgment and this judgment is not correct according to the facts which were before the court। shukriya। तो ये थे भारत भूषण बत्रा, जिन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है और उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए सीधे तौर पर खतरा बताया है इस तरह के फैसले लेने से पहले। इनका कहीं ना कहीं कहना है कि जुडिशरी को भी सोचना चाहिए कि क्या फैसला लेने जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट समाज पर पड़ेगा। कैमरामैन नवीन कुंडू के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।